हैं हिंट 24 टीवी। जौनपुर जिले के जमुआ में टीका नहीं लगने से नाराज ग्रामवासी डॉक्टर के घोर लापरवाही से वंचित रह गए लोग। जौनपुर उत्तर प्रदेश सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन भ्रष्ट कर्मचारियों पर लगाम लगाना मुमकिन नहीं। ग्राम प्रधान के बार बार कहने पर भी वैक्सीनेशन का पहला डोज लगाने पहुंचे डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर के तीखे तेवर देख नाराज हो गए यहां के ग्रामवासी। वहीं बता दें कि वैक्सीनेशन 10 बजे से चालू होने वाला था, लेकिन लापरवाह कर्मचारियों की वजह से हजारों लोग वंचित रह गए। टीकाकरण करने पहुंचे डॉक्टर राजेंद्र व एनम किरण देवी आदि, कर्मचारियों ने बाकी डोज नहीं लगाया गया। वहीं ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया कि डॉक्टर राजेंद्र ने अपने परिचितों को बुलाकर टीकाकरण करना शुरू किया, जिससे ग्रामीणों ने कर्मचारियों पर नाराजगी जताई। जौनपुर से वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव सिंह की रिपोर्ट। क्या दिक्कत है आपको? कोरोना का सुई लागत रहा, 2 बजे का आई जी लाइन में जाते जाते दरवाजा के जब पहुँचे तो सुई खत्म हो गया। क्यों, क्या बोले हैं डॉक्टर साहब? बोले हैं कि सुई खत्म हो गया, टाइम खत्म। अच्छा, समस्या थी जो इतना भगदड़ हुआ है जनता में, क्यों इतना जनता जो है भाग रही थी इधर से उधर? देखिए, जो वैक्सीन लगाने कर्मचारी आए थे, जो डॉक्टर साहब थे जी, उनका रवैया ठीक नहीं था महिलाओं के प्रति जी, उन्हें धक्का मुक्की किए हैं जी। कहाँ जाऊँ, रही बात और वैक्सीन रहते हुए भी हमारे ग्राम के जो महिलाएं हैं थी उनको नहीं लग पाया है, तो हम ये अपील करते हैं कि अगर दोबारा कभी ऐसी समस्या आए। वैक्सीनेशन का कार्य कब से चालू हुआ था? वैक्सीनेशन कार्य आज 10 बजे की टाइमिंग थी, लेकिन 11:30 बजे डॉक्टर लोग आए थे और 4:30 बजे वो लोग गए। और डोज बचा था कि डोज खत्म हो गया? डोज बचा हुआ था। तो कहीं डॉक्टर साहब नहीं लगाए? अब बोले हमारा ओवर टाइम हो गया।